जी साउंड। अच्छा जी, ये हमारी एक यूआई फाइल है जो हमने पाई क्यूटी फाइल में डिजाइन की है, क्यूटी डिजाइनर में डिजाइन कर ली। अब जब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ तो ये मेरे पास पीछे फोल्डर में सेव हो जाती है। ये मेरे पास ये फाइल आ गई है। अब इसको मैं पाइथन की फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओपन करूंगा सीएमडी। ये मैं पहले से ओपन किया हुआ था, इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सीएमडी लिख रहा हूँ। सीएमडी ओपन करके अब मैं कमांड लिखूंगा पी वाई यू आई सी फाइल। अभी पहले सिर्फ इतना ही लिख के अगर मैं इंटर करूं तो ये पहले कह रहा है पी वाई यू आई सी फाइव, तो मुझे पता ही नहीं कहां पे पड़ी हुई है। तो पहले ये वाला इशू फिक्स करते हैं, ठीक है। यानी अगर हम पूरी कमांड लिख भी देते हैं पी वाई यू आई सी फाइव डैश एक्स, और आगे हमने अपनी फाइल का नाम बताना था जो यू आई की फाइल है, मैंने थोड़ा सा नाम लिख के टैप प्रेस किया तो बाकी नाम इसने खुद ही कम्प्लीट कर लिया। डैश ओ, अब मुझे आउटपुट फाइल का नेम बताना है तो मैं स्क्रीन वन डॉट पी वाई कह दूंगा। जब मैं इंटर करता हूँ तो ये एरर आता है पी वाई यू आई सी फाइव। तो आपका भी अगर एरर आ रहा है तो इसको आप फिक्स करते हैं। ये फाइल ढूंढते हैं ये फाइल पीछे कहां पे इंस्टॉल हुई है। तो यहां पे मैं सिंपल लिखूंगा pip install pyqt5, ठीक है। जब pyqt5 इंस्टॉल हुई थी तो ये फाइल कहीं ना कहीं पे इंस्टॉल हुई है। ये ढूंढते हैं ये कहां पे पड़ी हुई है हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो ये हमारे पास पाथ आ गया जिस पाथ के ऊपर जाके pyqt5 इंस्टॉल हुआ है। तो हम इस पाथ पे चलते हैं, उस पाथ पे वो फाइल पड़ी होगी। तो इस पाथ पे हमने जाना है सी यूजर्स यूटेक। यहां पे मैं सी में जा रहा हूँ यूजर्स यूटेक, और आगे मैंने मूव करना है जी या यूटेक तक मैं पहुंच गया हूँ। ऐप डेटा में और रोमिंग में यहाँ पे देखते हैं ऐप डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐप डेटा नहीं पड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि हिडन फाइल्स ऑन नहीं है। ऊपर व्यू में जाके तो मैं हिडन फाइल्स ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऐप डेटा अपियर हो जाएगा। ये ऐप डेटा आ गया, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। ऐप डेटा से आगे हमने मूव करना है जी रोमिंग में, रोमिंग और फिर पाइथन में, रोमिंग और यहाँ पे है जी पाइथन, पाइथन 3.10। यहां तक हम पहुंच गए। और इस फोल्डर का साइट पैकेजेस के फोल्डर का नाम इसने लिया था कि यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए। ये असल में इस जगह नहीं पड़ी होती, ये स्क्रिप्ट में पड़ा होता है। तो यहाँ पे पी वाई यू आई सी फाइव ये फाइल पड़ी हुई है जो बार बार वो कह रहा है कि नॉट रिकग्नाइज या ये मिल नहीं रही। तो ये इतनी दूर आके पड़ी हुई है जिस वजह से उसे मिल नहीं रही, ठीक है। ये वाला इशू देता है पी वाई यू आई सी फाइव नॉट रिकग्नाइज। तो ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है इस पाथ के ऊपर। ये पाथ आप नोट कर लें, यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंट हो सकता है, वो आप यहाँ से देख के पहुंचेंगे इस पाथ तक, इतना यहाँ तक। तो मैं इस फाइल का पाथ ऐड करने लगा हूं। यहां से मैंने कॉपी कर लिया पाथ, और अब मैं यहाँ पे सर्च में जाके यहाँ पे लिखूंगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे पाथ में मैं आऊंगा, डबल क्लिक किया और न्यू करके यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दूंगा जो पाथ अभी मैं कॉपी करके लेके आया हूँ। इसी तरह यहाँ पे नीचे एक जगह पाथ लिखा हुआ है, उस पर डबल क्लिक किया है, न्यू करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब मैंने असल में उस फाइल का पाथ बता दिया है सिस्टम को अपने को कि फाइल इस जगह पड़ी हुई है, ठीक है। इसको अभी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इस फोल्डर को क्लोज नहीं करता मैं, ये सीएमडी को मैं क्लोज कर देता हूँ और वापस उस फोल्डर में आता हूँ। अब कौन सा फोल्डर था जी, यूआई के फोल्डर में जाना है, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा सीएमडी ओपन करता हूँ, तो मैं दोबारा पी वाई यू आई सी फाइव लिखूंगा, देखते हैं कि रिकग्नाइज हो जाता है कि नहीं। पहले तो नॉट रिकग्नाइज का एरर आ रहा था, तो अभी तक तो कोई एरर नहीं आया। और ये इसने कहा जी वन इनपुट चाहिए, तो अब एरर देखें, एरर बदल गया हुआ है, वो वाला एरर नहीं आया। तो इसका मतलब अब सारी अलामतें ठीक है। तो मैं अब मैं पूरी कमांड लिखता हूँ पी वाई यू आई सी फाइव और डैश एक्स, और आगे मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा एम वाई। मेरी फाइल का नाम है माई स्क्रीन वन डॉट यू आई। तो मैं एम वाई माई लिख के सिर्फ टैप प्रेस करूंगा तो खुद ही नाम कंप्लीट कर लेगा। आगे मैं डैश ओ लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी गलती हो सकती है, डैश जीरो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, डैश ओ लिखना है आपने, डैश ओ। और आगे मैं अपनी स्क्रीन का नाम लिख देता हूँ स्क्रीन वन डॉट पी वाई, और अब मैं अगर इंटर करता हूँ तो ये देखें कोई एरर नहीं आया और पीछे फाइल जनरेट हो गई है। तो अब इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूंगा फाइल को और रन करूंगा तो सारे मसले हल हो चुके हैं, देखते हैं। ओके, इसको फाइल ओपन हो चुकी है, इसको रन करता हूँ तो देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं आया, जो हमारी स्क्रीन है वो प्रॉपरली रन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो स्क्रीन आ गई। तो इस तरह हमने ये इशू फिक्स कर दिया। थैंक यू।